इंदौर शहर में खेतों में कॉलोनी बस जाती है और नियमों का उल्लंघन बड़ी संख्या में होता है। इसके लिए नगर निगम और टीएनसी विभाग सीधे तौर पर जिम्मेदार होते हैं। कलेक्टर मनीष सिंह ने स्पष्ट कहा कि ऐसे मामलों की जांच होगी और जिम्मेदारों के खिलाफ कार्यवाही भी की जाएगी। ताजा मामला जय हिंद कोऑपरेटिव सोसाइटी के नियमों के उल्लंघन का बताया जा रहा है। इंदौर जैसे महानगर में कॉरपोरेटिव संस्था बनाकर नियमों का उल्लंघन करना और नई नई कॉलोनियां खेतों में ही काट देना एक आम बात हो गई है और इसमें नियमों का खुला उल्लंघन भी सामने आता है। कलेक्टर मनीष सिंह ने बताया कि ऐसा ही एक मामला जय हिंद कॉरपोरेटिव सोसाइटी का सामने आया है, जिसकी जाँच की जा रही है और इसके लिए जल्द ही एडीएम स्तर के व्यक्ति को नियुक्त भी किया जाएगा। कलेक्टर ने ये भी बताया कि निगम एवं टीएनसी विभाग से जानकारियां ली जा रही है। जय हिंद गृह निर्माण संस्था में कॉपरेटिव सोसाइटी के पूर्व के जो उपायुक्त थे, उन्होंने एनओसी जारी की थी जमीन की। एनओसी किन तारतम्य में जारी की गई, किन प्रस्तुति में जारी की गई, हाउसिंग सोसाइटी है, हाउसिंग सोसाइटी के मेंबर्स हैं। हाउसिंग सोसाइटीज़ में जब मेंबर बनते हैं कॉपरेटिव सोसाइटी में, तो अधिकार कॉपरेटिव सोसाइटी के मेंबर्स का होता है। उसमें अगर उसके कर्ता धर्ता गलत तरीके से कॉपरेटिव से वो एनओसी लेते हैं, तो उस एनओसी को मान्य नहीं किया जाएगा। ये हमने बड़ा स्पष्ट बोल दिया है इसको, टाउन कंट्री प्लानिंग को भी, नगर निगम को भी। ऐसी जितनी भी एनओसी जारी हुई हैं या आगे भी होंगी, इसकी जांच होगी पहले कॉपरेटिव सोसाइटीज़ की जो जारी की गई एनओसीज़ की, कि इन्होंने सभी नियमों के तहत किया है या इन्होंने सभी कॉपरेटिव सोसाइटीज़ के मेम्बर्स के हितों को ध्यान में रख के किया है। कृषि जमीन बतला करके अगर एनओसी हो जाती है, जमीन बिक जाती है, चार साल उसी में कॉलोनी कट गई, चार साल उसी में मल्टी लेवल कॉम्प्लेक्स बन गए, तो ये सब की जांच होगी। तभी जय हिंद सोसाइटी की जो एनओसी जारी की थी तभी पूर्व के उपायुक्त ने, उसमें पूरी वो वापस टीएनसीपी ने जो एप्लीकेशन लगी थी उसमें पूरी वापस हम लोग को जाँच के लिए भेजा है। इसमें मैं किसी एडीएम को दूंगा जाँच करने के लिए, और अगर पाया जाएगा कि हाउसिंग सोसाइटीज़ के मेम्बर्स के विरुद्ध काम हुआ ही है, तो कंसर्निंग उपायुक्त जिसने जारी की है, उनके इंस्पेक्टर जो है, और साथ में जो बेनिफिशरी है इसमें, जिन्होंने टाउन कंट्री प्लानिंग में अप्लाई किया था उसका फ़ायदा लेने के लिए, इन सब के खिलाफ़ कुछ कार्रवाई करेंगे इसमें।